हुआ? परेशान क्यों है? वैसा क्या देख लिया मोबाइल में? हाँ जी? महक, सॉरी चाची, वो थोड़ा लेट हो गई, भूख लगी थी ना तो खाना खाने बैठ गई थी। क्या हुआ चाची, आप ठीक तो हो ना? मुंह तो ऐसे बना रखा है जैसे इलेक्शन में पिछली बार जीती हुई सीट हार गई है जी, ऐसे ही है कुछ है। तो मैं तो जा रहा हूँ, संभाल अपने चाची के मूड को, पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ चाची? मैं, तुझे मुझ पे भरोसा है ना? ऑफ कोर्स है चाची, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? तुझे यकीन है ना कि तेरी चाची तेरे लिए जो भी फैसला करेगी वो अच्छा ही होगा, तेरे भले में होगा? हाँ चाची, पर अब ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो, हुआ क्या है? सवाल के बदले में सवाल नहीं, जवाब चाहिए। चाची, आप पर पूरा भरोसा है और आपके फैसलों पर भी, और आप तो फिर मेरी कसम कि मैं जैसा कहूंगी तू बिना सवाल किए वैसा करेगी। खा सकती है कसम, बिना सवाल उठाए? आपकी कसम चाची, जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। जा, आराम कर। नमस्ते, आपसे जरूरी काम था। अरे ये क्या हो रहा है, कोई नई आफत आ गई है क्या? क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, अपने रतन चाचा से पूछो। कसम देसी घी की, चेक है पुत्र, जो दुकानें इसने तोड़वाई थी उसका मुआवजा। उस दिन गुस्से में आकर जो मैंने शर्मा फैमिली के खिलाफ एक्शन लिया, उसकी वजह से चार छह घरों के चूल्हे बंद हो गए। फिर मुझे किसी ने समझाया, जो मैंने किया हुआ तो बस अपनी गलती सुधारने आए। मुझे अपने गुस्से में आकर इतनी बड़ी चोट नहीं देनी चाहिए थी लोगों को, जिसका जख्म जिंदगी भर। वाह पुत्र, शुक्र है तुझे अकल तो आई कसम देसी घी की, पर मैं जान सकता हूं ये दिव्य ज्ञान तुझे दिया किसने? मेरी माँ ने। विकी, शर्मा फैमिली के दो चेक्स थे ना, एक रवि शर्मा के नाम और एक जीवन शर्मा के नाम। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। आपने जितना भी अब तक हमारे लिए किया है वो काफी है, अब और नहीं। मैं नहीं चाहती कि इस गली में रहने वाला कोई भी शख्स ये सोचे कि आपका और महक का
या हमारे परिवार का कोई भी रिश्ता है जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका। लगता अभी भी शर्मा परिवार के लिए पैसे से बढ़कर है इनके ईगो। पता नहीं कब सीखेंगे बिजनेस। लेट्स गो विकी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं भाई साहब? हाथों से निकाला है क्या सरसों का तेल? खुशबू तो असली सरसों जैसी है। नहीं चाची, ये है फॉर्च्यून प्रीमियम कच्ची घानी ऑयल। हाथों से निकाले जितना ही अच्छा होता है। अचार इसी में बना रही हूँ। कस्टमर्स को छोलों के साथ बहुत स्वाद आएगा। अरे संभाल के, तेरी सासू माँ आई है यहाँ। हाँ, तुझसे मिलना चाहती है। चल अचार में बनाती हूँ। खुशबू तो सौंधी सरसों की आ रही है चार में से। मैक लाई है फॉर्च्यून का शुद्ध सरसों तेल। फॉर्च्यून KGMO प्योर मस्टर्ड ऑयल है ये। माँ खुश रहे। बहन जी, आप पहली बार हमारे फूड ट्रक पे आए हो। आपको कुछ तो खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए प्लीज। नहीं आप। कैसा लगा? सच बताऊं भाई साहब, मेरे बेटे के रेस्टोरेंट में एक भी डिश इतनी टेस्टी नहीं है। सब मैक का कमाल है। थैंक्स माँ, आपने जो मोहल्ले वालों के लिए किया। मैंने? मैंने क्या किया है? आपने शौर्य को समझाया ना कि उसने दुकानें तोड़कर गलत किया। आपकी बात से कन्विंस होकर उसने सबको कंपनसेशन दिया। क्या कंपनसेशन? कब? सुबह ही वो मेरे मोहल्ले आया था और सबको पैसे देकर गया। वो बोल रहा था उसने अपनी गलती का एहसास। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। पर चलो, जो किया सही किया।
गाड़ी रेडी है, चलें। जिन दुकानों पे तुमने हमसे दुश्मनी निकालने के लिए बुलडोजर चलवा दिया ना, हर वो फैमिली फिर से अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर पाएंगी। तुमने जिन पे बुलडोजर चलवा दिया ना शौर्य, उन पर सिर्फ जिंदगी नहीं, लोगों के सपने भी पल रहे थे। मुझे किस्मत में कि जो मैंने किया वो गलत, तो बस अपनी गलती सुधारने आए। माँ चले? हाँ हाँ, कट गई सी। आप जानती हैं हमारी बच्ची का स्वभाव ही ऐसा है कि किसी भी परिवार में एडजस्ट हो जाएगी। आप बस ये रिश्ता पक्का करवा दो। हाँ ठीक है जी। आप लोग पागल है क्या? रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं और अकल एक पैसे की नहीं। आग लगी होती तो मैंने देख लिया, मैंने पूरा का पूरा पिक्चर स्वाहा हो जाता आपका। फिर करते हैं धंधा। और देख भाई शौर्य खन्ना, तू बस चलते बस। नहीं सुननी मुझे आपकी बड़ी बड़ी बातें और वकील की दलील। अगर आप लोगों को यहाँ बिजनेस करने की तमीज नहीं है ना, तो अभी फोन कर देता हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उठा के ले जाके इस ठेले को, लेना धंधा के। ओ हेलो, बड़ा आदमी होगा तू सामने रेस्टोरेंट का, हैं? हमको क्या धमका रहा है? धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि सामने मेरा रेस्टोरेंट है। आपको अपने बिजनेस की फिक्र हो या ना, मुझे बहुत है। होलिका की तरफ में ट्रक जलाना ना, तो जाओ यहाँ से कहीं। Oh, 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 oh
आदमी करेक्टर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। शौर्य को जाके दे देना, शायद उसका हाथ जल गया है। रहने दो, मुझे पता क्या होगा, मैं ये लेके जाऊंगा, वो मुझ पे भड़केगा, और अगर वो नहीं भड़का ना तो मम्मी जरूर मेरी टांग तोड़ देगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अरे शौर्य खन्ना है वो, कुछ करा लेगा इलाज अपना, चल। सुन, पक्का ना? हाँ, चल। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारी आवाज सुनी तो तुम्हें लगी तो नहीं? I'm sorry. No, no, I am sorry. लाइफ में पिछले 26 सालों में कभी इतनी चोट नहीं लगी, और जब से तुम मिली हो ना, बॉर्डर पे लड़ते हुए सिपाही की तरह बन गया। पहले हाथ कटा, अभी हाथ जला, और अभी टांग। तुम्हारे 2 टन के वजन की वजह से दब गई है। पता नहीं अब और कितने दर्द बर्दाश्त करूं। दर्द कितने बर्दाश्त करोगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने जले हुए हाथ पे आइस नहीं लगा पाओगे। इधर दो। रूहानी कहीं ना वो चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई मेरी जरा सी चीख तुम्हें मेरे पास खींच लाएगा। मेरा फूड ट्रक बचाने के लिए थैंक्स। ना ना, सिर्फ फूड ट्रक नहीं, फूड ट्रक वाले की जान भी तो बचाई है ना? Isn't it? पता है, कर के जताने से ना करे धरे की कोई वैल्यू नहीं रहती। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन? अगर आज मैं वो आग ना बुझाता ना तो तुम्हारी पूरी शर्मा फैमिली एक ही छटके में तंदूरी चिकन की तरह रोस्ट हो जाती। इलेक्ट्रिक रेमिटोन की जरूरत भी नहीं पड़ती। बढ़िया है, वैल्यू नहीं रहती। तुम लोग के जैसे बड़ी वैल्यू करते हो ना। तुम्हें पता है तुम कितने रूड हो? मेरी याददाश्त ना बहुत तेज है, अच्छे से याद है मुझे कि कैसे तुमने ही आग बुझाई और कैसे मेरे चाचाओं पे आग उगली भी। क्यों, कैसे डांट रहे थे तुम उन लोगों को? Listen, you know what? तुम्हारे वो दोनों राहू केतु चाचू है ना, बस गले में रखे पैसे गिनने के लायक हैं। सेफ्टी के नाम पे बिल्कुल जीरो। मेरा बस चले ना, तुम्हें फायर स्टेशन में 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज दूं। Bloody hell, no civic sense at all. खुद तो जलो जलो, अगल बगल वालों को भी साथ लेके झुलसो। You know, मेरी बुद्धि पे ना पत्थर पड़ गए। पता है कि कोने में कुल्हाड़ी रखी है और फिर भी खुद ही जाके उस पे कूद पड़ी। क्या आना ही नहीं चाहिए था। हाँ तो जाओ, रोका मैंने तुम्हें। लीव, मैंने इनवाइट किया था तुम्हारे को, हाँ रुकी क्यों हो? जाओ।
तुम्हें अपनी एक खूबी पता है, तुम्हें चलती फिरती आफत हो। ये डोर तुमने बंद किया था? पता नहीं, वो शायद हड़बड़ी में बंद हो गया, याद नहीं। शिट, अब पूरी रात यहीं रहना पड़ेगा। मतलब ये कि इस दरवाजे का लॉक खराब है, अंदर से नहीं खुलता। यहाँ का टेम्परेचर ना -6 डिग्री है। अब मरो यहाँ पर। क्या? वो कैसे? ये भगवान, मुझे तो घर जाना था, चाची इंतजार कर रही होगी, अब कैसे जाऊं?